दोस्तों हमारे पास दो सिल्वर प्ले बटन है और ये आपको कब मिलते हैं? जब आपके यूट्यूब चैनल पे 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं। अब सुनो, ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको कहूँ 2024 में 1,00,000 सब्सक्राइबर अगर आपने कंप्लीट कर लिया और तब भी आपको सिल्वर प्ले बटन नहीं मिला तो फिर आप क्या सोचोगे? 2024 में एक ऐसी पॉलिसी में अपडेट हुआ है, वो भी कौन सी? क्रिएटर अवार्ड्स के बारे में। तो वीडियो जरा सी भी स्किप मत करना, मेरे को समझ में बात नहीं आ रही है कि यूट्यूब इतनी जल्दी जल्दी क्यों पॉलिसीज अपनी चेंज करता है। एक्चुअल में यूट्यूब 2019 में, 20 में, 21 में सिल्वर प्ले बटन आराम से दे देता था, बट अब नहीं दे रहा है क्योंकि उसने अब ऐसी खतरनाक पॉलिसीज को चेंज कर दिया है। ये बात मुझे तब पता चली जब मैंने एक यहाँ पे यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है देसी अदाकार। इस यूट्यूब चैनल पे 1,40,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। जब मैंने इस यूट्यूब चैनल के लिए सिल्वर प्ले बटन को अप्लाई किया तो मैं हैरान रह गया। यूट्यूब ने साफ साफ मना कर दिया कि इस यूट्यूब चैनल पे दूसरा चैनल था जो कि टर्मिनेट हो गया है, तो इस वजह से अब आपको सिल्वर प्ले बटन नहीं मिलेगा। ये तो सिर्फ एक पॉलिसी है, ऐसी 5 पॉलिसी अपडेट आई है। अगर आपके YouTube चैनल पे वो पॉलिसीज वोलेट कर रही होंगी तो आपके YouTube चैनल पे 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद भी सिल्वर प्ले बटन नहीं मिलेगा। कौन सी वो पॉलिसीज है और आपको अपने YouTube चैनल पे क्या ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप 1,00,000 सब्सक्राइबर होने के बाद अपने YouTube चैनल पे सिल्वर प्ले बटन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपको जरा से भी स्किप मत करना। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अगर आप तक लग गई है तो आपके और भाई बंधु भी है, उनको भी पता होना चाहिए। बट उससे पहले दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि टैग इसरार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि आपको पता है कि हम इस यूट्यूब चैनल पे क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देते हैं। एक्चुअली में दोस्तों हमारी टीम पिछले कुछ महीने से अलग अलग कैटेगरीज के चैनल पे वर्क कर रही है और हमें सक्सेस भी मिल रही है, और 1,00,000 सब्सक्राइबर तो अब वैसे ही हो जा रहे हैं जब से शॉर्ट आया है। तो जब हमने सिल्वर प्ले बटन अप्लाई किया तब हमें इस बात का पता चला। वैसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज पे काम करने का कुछ अलग ही मजा है, उससे एक्सपीरियंस हमें हो गया है कि किस चैनल पे हम किस टाइप की वीडियोस को अपलोड करेंगे और उस पे व्यूज भी आ जाएगा और सब्सक्राइबर भी आ जाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं हिडन ट्रिक्स जानना तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल वेरीफाइड है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वहां पे मैं प्रमोशन भी स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहले 2024 में YouTube क्रिएटर अवार्ड्स में क्या क्या चेंज हुआ है उसके लिए बात करेंगे। फिर जब हम अप्लाई करते हैं और आपके YouTube चैनल पे क्या प्रॉब्लम की वजह से आपको सिल्वर प्ले बटन नहीं मिलेगा, क्या एरर वहां पे दिखाएगा, ये भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे ऊपर लिखा है YouTube क्रिएटर अवार्ड्स, एक एक पॉइंट आपको बड़े ही कान खोल के समझना है और सुनना है। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि अगर आपके YouTube चैनल पे 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको सिल्वर प्ले बटन मिलता है। मिलता जरूर है बट कुछ और पॉलिसीज भी है, वो समझ लीजिए। अगर आपके YouTube चैनल पे 1,000,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपको गोल्ड प्ले बटन मिलेगा। अगर आपके YouTube चैनल पे 10,000,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपको डायमंड मिलेगा। अगर आपके YouTube चैनल पे 100,000,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपको रेड डायमंड मिलेगा। बट ये आपको तभी मिलेंगे जब इनकी पॉलिसीज को आप फॉलो करोगे। नंबर वन पॉलिसीज यहां पे लिखा है, अगर आप जो है ना लास्ट 6 मंथ में आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक्टिव है तो ही आपको ये सिल्वर प्ले बटन मिलेंगे, ये अवार्ड्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ बोला है कि अगर आपके यूट्यूब चैनल पे कोई एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं होनी चाहिए, वो भी लास्ट 365 डेज में, यानी कि अगर आज आपको एक स्ट्राइक लग गई और 6 महीने के बाद आप अप्लाई करोगे क्रिएटर अवार्ड्स के लिए तो आपको नहीं मिलेगा। आपके लास्ट 365 डेज के अंदर कोई भी स्ट्राइक नहीं लगी होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस। यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक की बात नहीं हो रही है, सिर्फ कम्युनिटी गाइडलाइंस की। साथ में नेक्स्ट पॉलिसीज के बारे में बताया गया, यू आर इन कॉम्प्लायंस विद यूट्यूब टर्म एंड सर्विस, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने टर्म एंड सर्विस एक्सेप्ट नहीं करते सही से, ठीक है, उसमें कोई भी कॉम्प्लायंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोला है यू हैव नॉट बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द YouTube पार्टनर प्रोग्राम। अगर आपका YouTube चैनल एक बार मोनेटाइज हो गया है और उसके बाद YouTube ने आपके YouTube चैनल को
यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से सस्पेंड कर दिया है, यानी कि आपका रियूज कंटेंट, मिक्स कंटेंट या फिर किसी इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी, अलग तरह की डिफरेंट तरीके अगर सस्पेंड हुआ है आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से, कह रहा हूँ यूट्यूब चैनल सस्पेंड नहीं कह रहा हूँ ना टर्मिनेट कह रहा हूँ, सिर्फ यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से सस्पेंड हुआ, यानी कि आपका यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज उसने कर दिया सस्पेंड करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी इसी में निकल के आती है, योर चैनल इज नॉट टर्मिनेटेड और लिंक टू एन अकाउंट दैट हैज बीन टर्मिनेटेड। इसका मतलब जरा ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल टर्मिनेट था और वो यहाँ पे लिंक हो रखा है, या फिर कह सकते हो टर्मिनेट हो गया और उसी ईमेल आईडी पे या उसी नंबर से आपने अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाइड किया है, तो ऐसे में आपका YouTube चैनल बिल्कुल भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा, आप ये क्रिएटर अवार्ड नहीं ले सकते। इसके लिए जीता जागता उदाहरण आगे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ लिखा है, यू डोंट हैव कंटेंट द डिसेप्टिव और स्पैमी और स्कैम्स, यानी कि आपके YouTube चैनल पे आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल भी स्पैम की तरह नहीं होना चाहिए, स्कैम की तरह नहीं होना चाहिए। मतलब आप अपने YouTube चैनल पे वीडियोस में कुछ और हो और आप किसी और के साथ वीडियो के माध्यम से स्कैम कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ बोला है, योर मेन कंटेंट इन ओरिजिनल, आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए। चैनल दैट फोकस ऑन ए कंपाइलेशन मिक्सिस, ठीक है, क्यूरेशन और हैवी यूज ऑफ द समवन एल्स कॉपीराइट कंटेंट कैरेक्टर में भी इनएलिजिबल, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर आपके कॉम्प्लिकेशंस है और मिक्सिस है और क्यूरेशंस है और आपने जो है ना कॉपीराइट कंटेंट काफी ज्यादा यूज कर रखा है, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि आप इन एलिजिबल हो सकते हैं, यानी कि अगर आपका यूट्यूब चैनल ओरिजिनल है तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। मान लिया जाए आपने किसी की वीडियोस को कॉपी पेस्ट किया बट उसमें आपने वॉइस ओवर लगा दिया, आपने कमेंट्री कर दी, आपने खुद की क्रिएटिविटी कर दी, तो ईजिली आपको मिल जाएगा। बट अगर किसी का टिकटॉक वीडियोस उठा के आप अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हो और साथ ही साथ वीडियोस को आपने कैसे ना कैसे करके 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए, तो सिल्वर प्ले बटन आपको नहीं दिया जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ पे पॉलिसीज कह रही है। साथ ही साथ एक इन्होंने एक बात क्लियर बोली है और ये बात आपको भी समझ में आ जाएगी। इन्होंने लिखा है, यू डोंट हैव टू बी मेंबर ऑफ द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टू बी एलिजिबल फॉर एन अवार्ड्स। ये कह रहा है कि अगर आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम के मेंबर नहीं हैं तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, यानी कि अगर आपका YouTube चैनल डीमोनेटाइज है, सस्पेंड नहीं है, डीमोनेटाइज है। देखो एक्चुअल में YouTube पार्टनर प्रोग्राम से दो तरीके से आपका YouTube चैनल यहाँ पे डीमोनेटाइज होता है, एक सस्पेंड के द्वारा और एक होता है डीमोनेटाइज, जो कि बहुत सिली तरीके से हो सकता है। मतलब अगर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपने करना था पर टाइम से नहीं कर पाए तो वो एक्चुअल में सस्पेंड नहीं कहलाता। अगर आपका मिक्स कंटेंट है, रियूज कंटेंट है, तो इस तरह से क्या है, YouTube पार्टनर प्रोग्राम से सस्पेंड है। या फिर आप इस तरह का स्क्रीनशॉट दे सकते हो, अगर इस तरह से आपके YouTube चैनल पे है तो इसका मतलब है कि सस्पेंड है YouTube पार्टनर प्रोग्राम से, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। साथ में दोस्तों कहा है, क्रिएटर अवार्ड आर गिवन एट ए YouTube डिस्क्रेशन, ठीक है, ईच चैनल इज केयरफुली रिव्यू टू मेक श्योर दैट क्राइटेरिया इज मीट। यानी कि YouTube क्रिएटर अवार्ड्स के लिए YouTube की जो टीम है वो बहुत क्रिटिकल तरीके से, केयरफुल तरीके से चेक करती है, ठीक है, कि आप उस क्राइटेरिया के लिए, यानी कि आप क्रिएटर अवार्ड के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं। और लास्ट में जो इन्होंने बात बोली है वो तो आपको बड़े ही ध्यान से समझनी पड़ेगी। लिखा है, क्रिएटर अवार्ड आर फॉर पर्सनली यूज ओनली एंड मे नॉट बी शोल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनी वन आउटसाइड ऑफ योर YouTube चैनल टीम मेंबर्स। इफ यू हैव वॉलेट द पॉलिसी यू मे बी सब्जेक्ट टू डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है, आपके पास एक्शन लिया जा सकता है। डिसिप्लिनरी एक्शन में क्या हो सकता है, अगर आप अपना सिल्वर प्ले बटन किसी और को देते हैं या फिर अपने टीम मेट्स को ही देते हैं तो ऐसे में आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लिखा है कि आप यहाँ पे फोर फीचर ऑफ द अवार्ड, यानी कि आपका जो अवार्ड है वो जब्त किया जा सकता है। साथ ही साथ इन एलिजिबिलिटी फॉर फ्यूचर अवार्ड्स, आप फ्यूचर अवार्ड्स के लिए इन एलिजिबल हो सकते हैं। साथ ही साथ पॉसिबल टर्मिनेशन ऑफ योर यूट्यूब और गूगल अकाउंट, आपका यूट्यूब चैनल या फिर गूगल अकाउंट टर्मिनेट किया जा सकता है। 2024 में ये पॉलिसी है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल तौर पे, और इस यूट्यूब चैनल पे 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए और हमने सिल्वर प्ले बटन के लिए अप्लाई किया, तो अब यहाँ पे वोलेशन क्या आया जरा ध्यान से देखना।
नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है रिडम ए यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड, लिखा है यहाँ पे कि आप जो है ना रिडम कोड जो है ना आपको पहले ले लीजिए। तो यहाँ पे यह है इंटरएक्टिव एलिजिबिलिटी चेक, आप रिडम कोड के लिए एलिजिबल हो या नहीं, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। याद आपको ये रखना है कि उसी ईमेल आईडी से लॉगिन है या नहीं, यानी कि वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको दिखनी चाहिए जिस पे आपके 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है गेट ए यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप रीड कर सकते हैं, वो तो हमने रीड कर लिया। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा है लेट्स गेट स्टार्ट, तो यहाँ पे डालना है दोस्तों हमें URL। तो अब हम जाते हैं इसी यूट्यूब चैनल पे जिसपे 1,42,000 सब्सक्राइबर है, तो हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब हम डालते हैं यहाँ पे, डालने के बाद में पेस्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और अब ये बोल रहा है अवार्ड समरी, तो इसने बोल दिया सिल्वर अवार्ड, लिखा है नॉट करंटली एलिजिबल, यानी कि आप इस यूट्यूब चैनल पे ले ही नहीं सकते हो अपना सिल्वर प्ले बटन। क्यों नहीं ले सकते, इसने साफ साफ लिखा है We have reviewed your channel. It may be associated with a different channel that was a suspended. यानी कि एक ऐसा YouTube चैनल से आपका ये YouTube चैनल लिंक है जो पहले टर्मिनेट हो गया था या फिर सस्पेंड हो गया था। अब ये YouTube चैनल जो है ना बहुत बाद में बनाया गया था, वो इससे 3-4 महीने पहले ही डिलीट हो गया था, उसके बाद दोबारा बनाया। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि जिस नंबर से वो चैनल वेरीफाइड किया गया था उसी नंबर से ये YouTube चैनल भी वेरीफाइड हुआ है। सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से इस YouTube चैनल पे बिल्कुल भी सिल्वर प्ले बटन नहीं मिल पाएगा। आगे कुछ पॉलिसी चेंज हो जाए तो अलग बात है, बट यहाँ पे इसने साफ साफ बोल दिया है कि सिल्वर प्ले बटन नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। वैसे मैं आजकल YouTube के खिलाफ जो है ना पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। अगर आप भी मेरा साथ देना चाहते हो तो टैग इसरार YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हो और नीचे सपोर्ट के लिए #इसरार लिख दीजिए। और जब भी आप अपने चैनल पे कोई भी वीडियोज आप बनाते हो तो आप @TagIsrar जरूर से लिखे, उससे ये होगा कि आप मुझे टैग कर रहे हो और मैं आपके YouTube चैनल को चेक कर सकता हूं क्या प्रॉब्लम है या नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपके YouTube चैनल पे 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है तो जरूरी नहीं आपको सिल्वर प्ले बटन मिलेगा 2024 में। ये अपडेट सुन के मेरे को बहुत दुख हुआ। आपको क्या फील आ रहा है क्या नहीं, #इसरार करके मेरे को जरूर बताना। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।